हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आप सभी को पता है लास्ट 6 मंथ की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं रैंक एंड इंडाइसिस का। सो आज हम जो है डिस्कस करेंगे जो अप्रैल मंथ का रैंक एंड इंडाइसिस है उसके बारे में। और अगर आपने जो हमारी प्लेलिस्ट है 6 मंथ की वो नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड एज यूजुअल इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है इट इज योर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न क्या होती है? ये आपकी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जिसकी वैल्यूएशन या जिसकी वैल्यू आप कह सकते हो $1 बिलियन से अबव होती है। ठीक है, तो इस टाइप के स्टार्टअप्स को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो जो ये इंडेक्स आपका है ये बताता क्या है कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा आपके यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं। ठीक है, अब इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, पब्लिश कौन करता है? हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे पब्लिश करता है। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पब्लिश या रिलीज कौन कर रहा है, रिपोर्ट या कोई भी इंडेक्सेस होता है उसे। नाउ बात करते हैं टॉप कंट्रीज विद द मोस्ट यूनिकॉर्न। सबसे पहले नंबर आपका आता है यूएसए का। ठीक है, फर्स्ट रैंक यहाँ पे यूएसए की थी जिसने 666 यूनिकॉर्न्स जो है स्टैब्लिश किए थे। देन चाइना 316 एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है इंडिया। ठीक है, इंडिया ने कितने जो है यूनिकॉर्न प्रोड्यूस किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं? तो आंसर आपका है 68। देखो हम यहाँ पे बात करेंगे टॉप थ्री कंट्रीज की, क्योंकि टॉप थ्री कंट्रीज से आपका क्वेश्चन बनता है और इंडिया की जो रैंक है ये तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स यहाँ पे होंगे आप उसे नोट करते चलिएगा। वैसे मैंने आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करनी है, तो अगर आपकी मर्जी है नोट्स बनाने तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब इंडिया में भी जो टॉप आपके यूनिकॉर्न थे वो कौन कौन से थे? पहला आपका है बायजूस, सेकंड नंबर पे स्विगी एंड थर्ड इज योर ड्रीम इलेवन। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, ठीक है, कि ये जो आपके 68 यूनिकॉर्न है इनका हेडक्वार्टर इंडिया में है। दे आर बेस्ड ऑन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा भी इंडियन जो को फाउंडर्स हैं या जो इंडिया के फाउंडर्स हैं उन्होंने यूनिकॉर्न्स जो है स्टैब्लिश किए हैं, बट उनका हेडक्वार्टर आपका किसी दूसरी कंट्री में, इंडिया में नहीं है। तो वो आपके कितने हैं? तो यहाँ पे 70 ऐसे यूनिकॉर्न्स हैं जो इंडिया के बाहर स्टैब्लिश किए गए हैं। तो टोटल अगर हम बात करें इंडियन यूनिकॉर्न्स कितने जो हैं वो स्टैब्लिश हुए हैं, तो 138 हुए हैं, 68 विद इन कंट्री। ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर आपका इंडिया में है, और 70 ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न्स आपके बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज में स्टैब्लिश किए गए हैं। नाउ अब बात करते हैं सिटीज की जिन्होंने सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए हैं। पहला नंबर आपका आता है सैन फ्रांसिस्को का। ठीक है, जिसने 181 जो है यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस किए हैं और इसे एक टाइटल दिया गया है, इट इज योर वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल। तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सी सिटी है जिसे वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल जो है वो टाइटल दिया गया है, और पिछले बार भी नहीं ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है न्यूयॉर्क जो है सेकेंड नंबर पे था जिसने 126 यहाँ पे यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस किए हैं, देन बीजिंग 79। अब इंडियन सिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका नंबर आता है बेंगलुरु का, जिसने 33 जो है यूनिकॉर्न स्टैब्लिश की है। अब ग्लोबल अगर बात करें, ग्लोबल यूनिकॉर्न्स कौन कौन से थे आपके, तो पहले नंबर पे आता है बाइट डांस जो आपकी चाइना का सोशल मीडिया सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, स्पेस एक्स आप सभी को पता है बहुत कॉमन है। देन एंड ग्रुप जो चाइना का है विच इज योर फिनटेक। ठीक है, फिनटेक कंपनी है ये बेसिकली। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। अब जो ये रिपोर्ट है ये हमारे इंडियन स्टेट्स की जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ अवर जस्टिस डिलीवरी उसके बारे में बात करती है, जो बेसिकली चार पैरामीटर्स या चार पिलर्स पे बेस्ड होते हैं। कौन कौन से ये पिलर्स होते हैं जिसपे ये आपकी रिपोर्ट बेस्ड होती है? पहला आपका पिलर जो है इट इज योर पुलिस, कैसा वर्क कर रही है या कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारा यहाँ पे मेंशन किया जाता है। सेकेंड यहाँ पे होता है आपका जुडिशरी। ठीक है, पहला पिलर क्या हो गया, पुलिस, सेकेंड इज योर जुडिशरी, थर्ड आपका आ जाता है प्रिजन, एंड फोर्थ आपका होता है लीगल एड। तो ये चार आपके जो हैं पिलर्स होते हैं जिन पे बेस ये जो है परफॉर्मेंस स्टेट की मेजर की जाती है। ठीक है, अब जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2022 ये आपका इनिशिएटिव किसका है, टाटा ट्रस्ट का, इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि कौन से जो है आपके लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स हैं,
जिनके बेसिकली आपके लार्ज और मिड साइज स्टेट्स कौन से होते हैं, ऐसे स्टेट्स जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो ये top 3 आपके जो हैं स्टेट्स रहे हैं जिनने जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था। पहले नंबर पे आपका कौन सा स्टेट है, इट इज़ कर्नाटका, देन तमिलनाडु, फॉलोड बाय तेलंगाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, देखो top 3 तो आपको नोट करना ही करना है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी क्या है, दैट इज कि जो उत्तर प्रदेश है इसकी लोएस्ट रैंक रही है, विच इज योर 18th। ठीक है, ये आपका लोएस्ट नंबर पे था। इसके अलावा इन 18 राज्यों में से जो केरला है ये एक लौता ऐसा राज्य है जिसका 100% जो है केस क्लियरेंस रेट है। ये चीज भी रखनी है, इस पे बेस आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अचीव किया है केस क्लियरेंस रेट 100% का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 18 आपके यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिनके पास जो है नाइट विजन इक्विप्टेड सीसीटीवीज हैं, तो ये चीज भी इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्मॉल स्टेट्स की जिसकी पॉपुलेशन आपकी 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होती है। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे राज्य बना है सिक्किम, विच इज फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। और यहाँ पे टोटल 7 स्टेट्स की लिस्ट रिलीज की गई थी जिसमें आपका लोएस्ट कौन सा था, गोवा। गोवा की आपकी 7th रैंक थी, ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है top 10 बिजनेस एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर 2022। 2022 के जो आपके top 10 बिजनेस एयरपोर्ट थे उनकी यहाँ पे लिस्ट जारी की गई थी बाय द एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल, दैट इज ACI वर्ल्ड के द्वारा। ठीक है, इस लिस्ट में इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो लिस्ट है top 10 बिजनेस एयरपोर्ट की, इनमें से आपको पहले 3 याद करने हैं, दैट इज हार्ट्सफील्ड, जैक्सन, एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो US का था, डालस वर्थ एयरपोर्ट अगेन US का। ठीक है, थर्ड भी आपका US का है, डेनवर एयरपोर्ट। तो ये तीनों एयरपोर्ट याद करने हैं आपको। इसके अलावा जो 9th नंबर पे इंडिया का एयरपोर्ट था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब 2021 में इसकी क्या रैंक थी, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर, तो ये रैंक थी आपकी 13th रैंक। तो ये भी पूछा सकता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी रिसेंटली 9th रैंक थी इन द top 10 बिजनेस एयरपोर्ट, ठीक है, उसकी प्रीवियस ईयर कौन सी रैंक थी या 2021 में कौन से नंबर पे था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो 13th नंबर पे था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 जो रिलीज की है हैंडले एंड पार्टनर्स ने। अब इस रिपोर्ट को जो है नाम से ही पता चल रहा है कि सिटीज की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है जिसमें जो आपके वेल्दीएस्ट पर्सन जो है वो ज्यादा है, या आप बोल सकते हो टॉप मिलियनेयर्स यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे पहले नंबर पे आपका आता है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क USA में आपके जो नंबर ऑफ मिलियनेयर्स थे वो कितने थे, 3,40,000। देन टोक्यो में 2,90,300। थर्ड नंबर पे आपका आता है द बे एरिया, अगेन USA की सिटी, 2,85,000। नेक्स्ट आपका है 4th नंबर पे लंदन, विच इज योर 2,58,000। एंड 5th नंबर पे आता है आपका सिंगापुर, जो सिंगापुर की आपकी सिटी है, विच इज योर 2,40,100। तो ये आपके टॉप सिटीज थी। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया की जिसमें सबसे ज्यादा मिलीनियर्स हैं, तो वो पहले नंबर पे आपका आता है मुंबई, ठीक है, जिसकी ग्लोबली रैंक आपकी थी 21st। इट इज फॉलोड बाय दी दिल्ली जिसकी 36th रैंक थी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आई मीन। नेक्स्ट आपका रहता है बेंगलुरु जिसमें 8 मिलीनियर्स हैं, ठीक है, देन आपका कोलकाता 7 मिलीनियरीज, हैदराबाद 5 मिलीनियरीज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक तो top 5 सिटीज, ठीक है, 5 नहीं होती है तो 3 याद कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसने रिलीज की है ये याद होना चाहिए, और इंडिया से रिलेटेड जो भी सिटीज हैं ये सब याद कर लूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023। अगेन रिपोर्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ल्ड में कौन सी ऐसी आपकी जगहें हैं जहां पे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब ये रिलीज किसने किया है, ये लंदन बेस्ड आपकी मैगजीन है जिसका नाम क्या है, टाइम आउट मैगजीन। ठीक है, टोटल 50 सिटीज में वर्ल्ड वाइड यहाँ पे सर्वे किया गया था जिसमें top 5 आपकी कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे आती है आपकी बर्लिन जर्मनी, देन प्राग्यू चीज रिपब्लिक, देन आपका है टोक्यो, 3rd नंबर पे था टोक्यो जापान, देन कोपेहेगन डेनमार्क, देन आपका है 5th नंबर पे स्टॉकहोम स्वीडन। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपका बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ पे है, इट इज इन दी मुंबई। ठीक है, और मुंबई एक लौती ऐसी सिटी है जो इस लिस्ट में फीचर की गई थी, और मुंबई की रैंक कितनी थी, इट इज योर 19th रैंक। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की। ठीक है, 2023 का जो आपका LPI इंडेक्स था, इससे पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं कि लॉजिस्टिक होता क्या है।
तो आप अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे उसे एक्वायर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, टाइमली उसकी डिलीवरी दे रहे हो प्रोडक्ट्स की, नहीं दे रहे हो, ठीक है, या उसे कैसे ट्रैक कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपके आती हैं लॉजिस्टिक के अंदर। अब यहाँ पे जो लिस्ट रिलीज की गई है, इंडेक्सेस रिलीज किए गए हैं, ठीक है, किसने रिलीज किए हैं, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किए हैं। अब कौन सी कंट्री जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक, इसकी रिपोर्ट यहाँ पे जो है रिलीज की गई है, जिसमें रैंक 1 दी गई है आपके सिंगापुर को, जिसका स्कोर कितना था, 4.3 स्कोर, की सबसे अच्छा स्कोर है इन दी परफॉर्मेंस ऑफ लॉजिस्टिक। सेकेंड नंबर पे आपका आता है फिनलैंड का, जिसकी रैंक आपकी थी, जिसका स्कोर आपका था 4.3। देन थर्ड रैंक आपकी डेनमार्क, जर्मनी एंड नीदरलैंड ने एक्वायर की है, ठीक है, जिसका रैंक आपका है 4.1। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, जो जर्मनी आपका था ना, जर्मनी की 2018 जो इसका प्रीवियस आपका इंडेक्स रिलीज किया गया था, उसमें रैंक फर्स्ट थी, तो ये चीज़ याद रखना है, 2018 में फर्स्ट रैंक आपकी जर्मनी की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक 2023 में आपकी थी 38th रैंक, और स्कोर कितना था, 3.4। वेरस 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में इंडिया की जो रैंक थी आपकी, इट इज़ योर 44th रैंक, ठीक है, कितनी रैंक थी, 44th रैंक थी, और 3.18 स्कोर था इंडिया का इन दी 2018 रिपोर्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया के जो जो बेसिकली इंडिकेटर होते हैं आपके लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के, इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है। जैसे फर्स्ट आपका आता है कस्टम, कस्टम में रैंक रही है 47, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन 47, इंटरनेशनल शिपमेंट की बात करें तो यहाँ पे इंडिया की रैंक आपकी थी 22nd रैंक, लॉजिस्टिक कंपीटेंस एंड इक्वालिटी में 38th रैंक, वेरियस टाइमलीनेस में 35 रैंक थी, एंड ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में 41 रैंक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और इंडिकेटर्स भी आपको याद रखने हैं साथ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग। तो वर्ल्ड की क्रिमिनल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये हम बात करते हैं, और ये लिस्ट जो है वो किसने रिलीज की है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज की है, जिसमें पहला नंबर आपका दिया गया है पहली रैंक वेनेजुएला को, सेकेंड पेपुआ न्यू गिनिया, थर्ड आपका आ जाता है अफगानिस्तान, फोर्थ इज योर साउथ अफ्रीका, एंड फिफ्थ आपकी आती है हॉन्डुरस। इंडिया की रैंक की यहाँ पे बात करें तो इंडिया की रैंक आपकी कितनी है, 77th रैंक है। यूएस की रैंक यहाँ पे आपकी है 55th, यूके की 65th, ठीक है, एंड जापान की जो है काफी अच्छी रैंकिंग है, इट इज योर 135th रैंक। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। क्रिमिनल कंट्रीज की यहाँ पे बात हुई है, सबसे पहली वेनेजुएला, पेपुआ न्यू गिनिया सेकेंड, अफगानिस्तान थर्ड, फिफ्थ आपकी कौन सी है, फोर्थ आपकी है साउथ अफ्रीका, फिफ्थ आपकी है हॉन्डुरस, और इंडिया की रैंक कितनी है, 77th। और यहाँ पे यूएस, यूके और जापान की बात करें, इट इज योर 55th, 65th एंड 135th रैंक, फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। अब जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि ऐसे स्टार्टअप्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट दी गई है, और कौन से ऐसे देश हैं जो टॉप कंट्रीज रहे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट, जिन कंट्रीज के स्टार्टअप्स को ये इन्वेस्टमेंट दी गई है, ठीक है। सो सबसे पहले इसे पब्लिश कौन करता है ये देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे पब्लिश किया है, जो 6th एडिशन था, ठीक है। टॉप कंट्रीज के यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिली है यूनाइटेड स्टेट्स के स्टार्टअप्स को, विच इज योर 47.4 बिलियन US डॉलर। नेक्स्ट इज चाइना, चाइना के जो स्टार्टअप है इन्हें मिली है 13.4 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट, फॉलोड बाय यूके, यूनाइटेड किंगडम, विच इज 4.4 बिलियन US डॉलर, देन इसराइल का नंबर आता है विच इज 3.24 बिलियन US डॉलर, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका है इंडिया विच इज 3.24 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं एआई बेस्ड स्टार्टअप, उनको कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिला है, 2.34 बिलियन US डॉलर का। अब यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया ने साउथ कोरिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे कर दिया है इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी मिली है ओवरऑल 2022 में, तो इट इज़ योर 91.9 बिलियन US डॉलर जो टोटल इन्वेस्टमेंट इस साल में जो एआई बेस्ड आपके स्टार्टअप्स हैं उनको दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो ये यहाँ पे 26.7% जो है वो लेस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखी गई है ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है यहाँ पे ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2022। अब जो ये रिपोर्ट है बेसिकली ये हमें बताती है कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, टॉप कंट्रीज, जिन्होंने अपना
जो मिलिट्री है उनकी, उसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सपेंडिचर उसमें किया है मिलिट्री में, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है इसे रिलीज कौन करता है, तो इट इज़ रिलीज बाय दी सिपरी, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपका स्वीडन में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉप ऐसी कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने, जिनका हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 में देखा गया है। तो पहली आपकी कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है 877 बिलियन US डॉलर का। देन यहाँ पे आपकी आती है चाइना, 292 बिलियन US डॉलर, जो सेकेंड नंबर पे है इस स्पेंडिंग के साथ। थर्ड नंबर पे आपका आता है रशिया, 86.4 बिलियन US डॉलर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका इंडिया आता है, विच इज 81.4 बिलियन US डॉलर। और इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें, जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो रैंकिंग थी 2021 की, इसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक थी वो आपकी थर्ड रैंक थी, ठीक है। एंड इस साल की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 6% का इंक्रीज देखा गया है, अगर हम प्रीवियस ईयर की जो इन्वेस्टमेंट थी उससे कंपेयर करें तो इंडिया की, ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर पे आपका आता है सऊदी अरेबिया, विच इज 75 बिलियन US डॉलर जो इन्होंने स्पेंडिंग की है। इसके बाद हम देखते हैं यूके की, यूके का जो रैंक था वो आपका 6 नंबर पे था, एंड जापान का आपका था 10th नंबर पे, ठीक है। 2022 की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें 2022 की, तो 3.7% का यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है। दैट मीन्स कि हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट थी टूवर्ड्स द मिलिट्री, ये बढ़ी है, विच इज़ योर 2,240 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।